start our new chapter, chapter 7, books. Okay, इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, हमारा न्यू लेसन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. ओके, इसके पहले जो हमारा चैप्टर 5 और 6 है वो हमने छोड़ दिया है. जो हमारा सिलेबस कट हुआ है उसके अंदर वो चैप्टर्स जो है वो कट हो गए हैं. ओके, तो हमने चैप्टर 5 और 6 को स्किप कर दिया है. ओके, अब हम चैप्टर 7 जो है हमारा लेसन 7 बुक्स उसे स्टार्ट करेंगे. ओके, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर वी विल लर्न द वर्ड मीनिंग ऑफ अवर चैप्टर 7. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वर्ड मीनिंग. सो स्टूडेंट्स, दिस इज अवर चैप्टर 7 बुक्स. ओके, ये हमारी पोएम है बुक्स के बारे में जो कि किसने लिखी है. इसके पोएट हैं एलेनर फ्रोजन. ओके, तो ये इन्होंने लिखी है. इस चैप्टर में हम बुक्स के बारे में पढ़ेंगे. बुक्स टेल अस अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड, डिस्क्राइबिंग इट एज इफ इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. दे ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड टू अस. ओके, इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, बुक्स के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, तो वो बुक्स जो कि हमें क्या बताती है, बाहर की दुनिया के बारे में बताती है. डिस्क्राइबिंग इट एज इफ इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. ओके, वो उन्हें इस तरह से डिस्क्राइब करती है जैसे कि मानो वो चीज़ें क्या कर रही हो, हमारी आंखों के सामने ही हो रही हों. दे ओपन अ होल न्यू वर्ल्ड टू अस. और बुक्स जो होती है वो क्या करती है, हमारे लिए एक नई ही दुनिया को हमारे सामने क्या रख देती है, खोल कर रख देती हैं. ओके, मतलब कि जब भी हम बुक्स को पढ़ रहे होते हैं तो हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पढ़ा होता है कि जिनको हम पहले नहीं जानते हैं या नहीं हमने उनके बारे में कभी पढ़ा होता है. तो बुक्स जो होती है वो सब हमारे सामने उन चीज़ों को ओपन करके रख देती है, हमें नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस करवाती है. ठीक है, तो बुक्स हमारे लिए क्या होती हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं हमारी लाइफ में. ओके, तो यहाँ पर हम इस पोएम को पढ़ते हैं. बुक्स बाय एलेनर फ्रोजन. व्हाट वर्ल्ड ऑफ वंडर आर बुक्स एज वन ओपन देम एंड लुक्स. न्यू आइडियाज एंड पीपल राइज इन अवर फैंसीज एंड अवर आईज. द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड अवर सेल्फ्स एट प्ले. With someone who before the ends may become our chosen friend, or we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. Each book is a magic box which with a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their lovers. What world of wonders are our books? As one opens them and looks, new ideas and people rise in our fancies and our eyes. The room we sit in melts away, and we find ourselves at play. With someone who before the end may become our chosen friend, or we sail along the page to some other land or age. Here's our body in the chair, but our mind is over there. Each book is a magic box with a touch a child unlocks. In between their outside covers, books hold all things for their lovers. Okay, तो यहाँ पर books के बारे में क्या बताया गया है कि what world of wonders are our books as one open them and looks. ओके, जो हमारी बुक्स हैं वो क्या है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा वंडर्स है, मतलब कि हमारी जो बुक्स होती हैं वो हमारे लिए किसी चमत्कार की तरह होती हैं. जैसे ही हम क्या करते हैं, उन्हें
ओपन करते हैं और देखते हैं तो हमारे सामने क्या होता है, दुनिया की कई सारी नई नई चीज़ें हमारी सामने आ जाती हैं। न्यू आइडियाज़ एंड पीपल राइज इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज। जब भी हम क्या करते हैं, बुक्स को खोलते हैं और उन्हें देखते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने नए नए विचार और नए नए लोग क्या होते हैं, सामने आते हैं। इन आवर फैंसीज एंड आवर आइज, ओके, हमारी जो इमेजिनेशन होती है, हमारी एक कल्पना की दुनिया होती है जिसको हम क्या करते हैं, बहुत सी बार हम किसी चीज़ों को सोचने लग जाते हैं तो वो जो हमारी इमेजिनेशन होती है वो क्या होती है, हमारी आँखों के सामने चलने लगती है। मतलब अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उस चीज़ में खो जाते हैं और उसकी जो इमेजिनेशन होती है वो क्या होती है, हमारी आँखों के सामने होने लगती है। ठीक है, तो जब भी हम क्या करते हैं, बुक्स के बारे में पढ़ते हैं तो दुनिया की कई सारी आश्चर्यजनक चीज़ें हमारे सामने आती हैं। जब हम बुक्स को खोलते हैं और उन्हें देखते हैं तो हमारे सामने नए नए लोग आते हैं, उनके नए नए विचार हमारे सामने आते हैं और हम क्या करते हैं, एक इमेजिनेशन की दुनिया में खो जाते हैं। हमारी आंखों के सामने क्या होती है, एक इमेजिनेशन चलने लगती है। द रूम वी सिट इन मेल्ट्स अवे एंड वी फाइंड अवर सेल्फ एट प्ले विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम अवर चूजन फ्रेंड। ओके, और जिस रूम में बैठकर हम उस बुक्स को पढ़ रहे होते हैं वो रूम ऐसा लगता है मानो जैसे कि कहीं गायब हो गया हो, डिसअपीयर हो गया हो। ठीक है, एंड वी फाइंड आवर सेल्फ एट प्ले, और हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद उस कहानी का एक हिस्सा हो। मतलब हम उस चीज़ को पढ़ते हुए उसमें ऐसे खो जाते हैं जैसे कि हमें ऐसा लगता है हम उस पार्ट का एक हिस्सा हो, हम उस बुक्स का एक हिस्सा हो। विद समवन हु बिफोर द एंड मे बिकम अवर चूजन फ्रेंड, और ऐसा लगता है जैसे कि आप उस बुक्स को जब पढ़ रहे होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कि वो बुक्स पहले कुछ और थी लेकिन ख़त्म होने से पहले क्या होता है, वो बुक्स आपकी एक बहुत खास दोस्त बन जाती है। मतलब कि आप उन चीज़ों में इस तरह से खो जाते हैं कि आपको ऐसा लगता है कि ये सब तो क्या है, हमारे दोस्त ही हैं। ठीक है, और वी सेल अलॉन्ग द पेज टू सम अदर लैंड और एज हियर्स आवर बॉडी इन द चेयर बट आवर माइंड इज ओवर देयर। ओके, और क्या होता है कि जब हम उस किताब को पढ़ने लगते हैं तो हम क्या करते हैं, जब हम उन किताब के पेज को बदलते हैं तो क्या होता है कि उन किताब के जो पेज होते हैं, बुक्स के जो पेज होते हैं, जब उन पेज को बदलते हैं तो क्या होता है, उनके साथ साथ जगह भी बदलती है और एज भी बदलती है। मतलब कि एक बुक्स है उसके अगर अंदर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारे किरदार होते हैं, बहुत सारे रोल होते हैं, बहुत सारी जगहों के बारे में बात होती है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे बुक्स के पेज चेंज होते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग जगहों के बारे में हम पढ़ रहे हों, अलग अलग इंसानों के बारे में पढ़ रहे हों, तो उनकी जगह भी बदलती है और उनकी एज भी बदलती है उन किरदारों की। तो जैसे जैसे हम पेज बदलते हैं वो जगह भी बदलती जाती है और उनमें एज भी बदलती चली जाती है उन किरदारों की। हियर्स अवर बॉडी इन द चेयर बट अवर माइंड इज ओवर देयर। हम क्या कर रहे होते हैं, जिस चेयर पर बैठकर उस किताब को पढ़ रहे होते हैं, उस बुक्स को पढ़ रहे होते हैं, तो उस चेयर पे क्या होता है, सिर्फ हमारी बॉडी होती है लेकिन हमारा जो माइंड होता है वो कहीं और होता है। मतलब कि हम उस बुक्स को पढ़ते हुए इतना खो जाते हैं कि हमारा बॉडी जो होती है, हमारा जो शरीर होता है वो सिर्फ उस जगह पर बैठा हुआ होता है लेकिन हमारा जो दिमाग होता है वो कहाँ होता है, उस स्टोरी की दुनिया में, उस बुक्स की दुनिया में कहीं खो जाता है। हमें ऐसा लगता है जैसे कि हम खुद भी उस बुक्स का एक पार्ट हैं। ठीक है, ईच बुक्स इज अ मैजिक बॉक्स विथ अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स। ओके, और ईच बुक्स इज अ मैजिक बॉक्स, हर बुक क्या होती है, एक मैजिक बॉक्स होती है। मतलब कि हर किताब क्या होती है, एक मैजिक बॉक्स की तरह होती है। मतलब कि अगर आप किसी भी बुक्स को पढ़ोगे तो आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ नया हमेशा जानने को मिलेगा, वो एक हमेशा मैजिक बॉक्स की तरह होती है। मतलब कि आपको उनके अंदर बहुत सारी कुछ नई नई चीज़ें जानने को मिलती है। विथ विच
विथ अ टच अ चाइल्ड अनलॉक्स. ओके, और हम क्या करते हैं जब भी हम उन बुक्स को टच करते हैं, मतलब कि हम उन बुक्स को पढ़ते हैं, तो हमारे सामने क्या होती है, कुछ चीज़ें अनलॉक हो जाती हैं जो कि हमने पहले कभी नहीं पढ़ी थी. मतलब कि वो चीज़ें हमारे सामने खुलकर आती हैं, हमने जो चीज़ें कभी नहीं जानी होती हैं, जिन चीज़ों को हमने कभी नहीं पढ़ा होता है, वो भी हमारे सामने ओपन हो जाती हैं. इन बिटवीन देयर आउटसाइड कवर्स बुक्स होल्ड ऑल थिंग्स फॉर देयर लवर्स. और जो बुक्स होती हैं उनके जो दोनों साइड के बाहर के कवर होते हैं, उनके अंदर बुक्स जो है वो बहुत सारी चीज़ें संभाल के रखती है उन लोगों के लिए जो बुक्स को पढ़ना पसंद करते हैं. ठीक है, आप देख रहे होंगे ये भी एक बुक है. इस बुक्स का जो दोनों बाहरी कवर है, ठीक है, ये जो कवर आप देख रहे हैं, इन दोनों कवर के बीच में बुक्स क्या करती है, बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, संभाल कर रखती है अपने अंदर. बहुत सारी चीज़ों को क्या करके रखती है, संभाल कर रखती है उन लोगों के लिए जो कि उन्हें पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, तो अपने दोनों कवर के बीच में क्या होता है, बुक्स जो है बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को, बहुत सारी चीज़ों को क्या करती है, संभाल कर रखती है उन लोगों के लिए जिन्हें बुक्स पढ़ना पसंद होता है. ठीक है, तो ये हमारी पोएम है बुक्स. ओके, इसका एक्सप्लेनेशन पार्ट हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल गॉट अंडरस्टैंड द रीडिंग पार्ट ऑफ अवर पोएम बुक्स. ओके, नाउ योर होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट द वर्ड मीनिंग ऑफ अवर लेसन 7 बुक्स. ओके, आपको क्या करना है, ये जो हमारा चैप्टर 7 है बुक्स, ये जो पोएम है हमारी, इसके जो वर्ड मीनिंग्स हैं उन्हें आपको क्या करना है, अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन करना है. ओके, यही आपका होमवर्क है. ओके, थैंक यू.